नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिनभर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान अब खत्म हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में देश की 102 सीटें दांव पर थी। देश भर में 60% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 57% से ज्यादा वोट तो वहीं त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोट पड़े। आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर थी। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई तो वहीं सुबह से कई दिग्गजों ने वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील भी की। इस दौरान क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जबरदस्त जनसमर्थन है चारों तरफ, बहुत ज्यादा, एकदम देखते ही लग रहा है कि 400 पार पूरा साकार होने वाला है। जितने लोग मतदान केंद्रों पे खड़े हैं उनके चेहरे ही बताते हैं कि चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं, तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि बहुत 400 पार होने वाला है। पौड़ी गढ़वाल एक बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर लोगों को पर्यटन के साथ जोड़ना, उनकी पर्यटन और तीर्थाटन को उनकी इकोनॉमी के साथ जोड़ना, यहाँ पर विकसित गढ़वाल बनाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, पौड़ी में एक नया पर्यटक का केंद्र का उसको बनाना, आकर्षण का केंद्र बनाना, कोटद्वार में एक राष्ट्रीय स्मारक खंडवाश्रम बनाना, रामनगर में वन्य जीव जो टूरिज्म है उसकी कैपिटल बनाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके का और उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना, ऋषिकेश को वेलनेस का केंद्र बनाना, ये सारे हमारे चीजें हैं, उनको हम पूरा करेंगे। पूरी तरह महागठबंधन साफ हो चुका है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है, मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे किसी का खाता बिहार में खुलना ही नहीं है। आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के पहले फेज का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने में नई जनरेशन के बच्चे वोट मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किसान भी आ रहा है, मजदूर भी आ रहा है, छोटा व्यापारी भी आ रहा है। लोगों में नरेंद्र मोदी के सरकार का एक गुस्सा लोगों के दिलो दिमाग में देखने मिलता है। और जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का इंजन है, वो नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो चुका है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जनता अब सरकार लाना चाहती है। राहुल गांधी जी का इंजन ही तेज इस देश को आगे बढ़ा सकता है, किसानों को न्याय दे सकता है, युवाओं को न्याय दे सकता है, गरीब लोगों को न्याय दे सकता है, छोटे व्यापारियों को दे सकता है, ये विश्वास ये चुनाव में देखने मिलता है। देखिए, आप सबको मालूम है कि आज 18 लोकसभा चुनाव में जो फर्स्ट फेज है वहां पर पश्चिम बंगाल में 3 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में। और इस 3 क्षेत्रों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी का एमपी मिला था। वहां का जो जनता जनार्दन है, उन लोगों ने जिसको एमपी बना के चुन के भेजा था, वो वहां पर आम आदमी के लिए कुछ काम नहीं किया, बल्कि वो दिल्ली में जाके बंगाल का पैसा, बंगाल का नरेगा का पैसा, बंगाल का आवास योजना का पैसा रोकने के लिए वहां पर रिकमेंड किया और यहां पर आके वो डिक्लेयर किया हम लोग बंगाल का पैसा रोक के आया है। इसलिए ये जो एंटी बंगाल भारतीय जनता पार्टी है और ये जो बहिरागत तो है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस 3 कंस्टिट्यूएंसी का आदमी वोटर लोग मन बना लिया। सबसे पहले तो मैं आप द्वारा, मैं सभी जनता को निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट डालें और उनका एक एक वोट उनकी जिंदगी के साथ साथ जो देश की है दिशा वो बदलेगा। हमने देखा है पिछले 10 साल से जो मोदी सरकार चल रही है, उसने चाहे वो युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, माता बहने हो, हर मुद्दे पर वो फेल हो चुकी है। और एक तरह से जो एक माफिया के रूप में सरकार काम कर रही है, बड़े बड़े नारे ने दिए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रोजगार की बात करी थी, और आज सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, सिर्फ देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, वो मोदी सरकार ने SBI बॉन्ड का घोटाला करा है। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं
इस बात के लिए आनंदित हूं कि लगभग 1,09,00,000 से ज्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट यहां वोट डल रहा है और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इस बार हमारा अपना माननीय मोदी जी के माध्यम से जो चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ एक एक करके धीरे धीरे चारों तरफ से अनुकूल समाचार मिल रहे हैं। मैं अपनी ओर से मतदाताओं का आभार भी मानता हूं लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। गिनने में मिल रहा होगा 12 लोकसभा का आज चुनाव चल रहा है और आपने जिस तरह से उत्साह और उमंग देखा होगा निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का उत्साह और उमंग है राजस्थान के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कि इंडिया गठबंधन की बिल्कुल एक लहर चल पड़ी है जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए थे जनता के बीच में और वहीं पे हमने बताया कि एनडीए गठबंधन किस तरह से अपने वादे को पूरा नहीं किया, उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, उनके 40 में से 40 सांसद वहां से जीत करके जाते हैं और कोई काम नहीं हुआ, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी ये लोग नाकाम रहे। प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी होती है, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे और एक तरफ आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वहीं पे आप देखें ना कि 17 में से कितनी महिलाओं को इन लोगों ने जब 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 अधिकार देने की बात आई, जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो कितने सांसद उम्मीदवार इन लोगों ने दिए, एक भी नहीं दिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 5 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। प्रदेश के 83,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 55 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। मतदान को लेकर आम मतदाताओं के साथ ही दिग्गजों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी दौरान कई दिग्गजों ने भी अपने लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगरा तराई मतदान केंद्र में आम मतदाता की तरह ही लाइन में लगकर मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। इसी कड़ी में तो इसी कड़ी में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है वो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी पत्नी के साथ देहरादून में वोट डाला। दूसरी तस्वीर टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में मतदान किया। तो वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बूथ पर मतदान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी पत्नी के संग बूथ पर लाइन में लगकर मतदान किया। टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने सेंट लॉरेंस स्कूल के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में लाइन में लगकर वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने पत्नी रेणु टमटा के साथ बागेश्वर के लोब बूथ पर मतदान किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में वोट डाला। तो वहीं उत्तराखंड ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में 53.65% मतदाता मतदान किए। मतदान के बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिकांतुरा ने सुनी। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 5 सीटों के लिए मतदान यहाँ पर हुआ था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी तो बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरे प्रदेश में मतदान रहा। सर आज पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान था, क्या कुछ रहा सर मतदान का प्रतिशत? आप लोगों ने बहुत जागरूकता अभियान लोगों में चलाए थे प्रचार प्रसार के लिए लेकिन उतने नहीं हो पाए सफल। देखिए उत्तराखंड राज्य में जो मतदान का दिवस आज निश्चित था
लगभग 5 बजे तक जो हमको डेटा हमको प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार 53.56% का मतदान हुआ है। इसमें और थोड़ी वृद्धि होने की संभावना होती है, कुछ मतदान स्थलों पर 5 बजे के बाद में कुछ कतार लगती है, लाइन लगती है, वो मतदान का आंकड़ा हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, 93,000 सर्विस वोटर्स जो हमारे राज्य के होते हैं, उनको डाक से मत करने का अधिकार होता है, उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो अंतिम आंकड़ा होगा वो 55% से लेकर 56% के बीच में कहीं पर आ सकता है। गत लोकसभा निर्वाचन 2019 में ये आंकड़ा जो रहा था 5 बजे तक का, वो 58% रहा था। उससे हालांकि हम थोड़े पीछे रह चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जब तक फाइनल आंकड़ा आएगा हम एक बेहतर पोजिशन पर आ सकते हैं। सर, कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिन लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर किया था, आप लोगों ने मनाने की कोशिश की थी लेकिन माने नहीं, कितने जगह ऐसे रहा सर? देखिए, कुछ जनपदों में ऐसे पोलिंग स्टेशंस रहे जहां पर लोगों ने जो है मतदान का बहिष्कार किया था, वहां पर हमारे जिला की टीम वहां पर जाकर उनसे बातचीत कर रही थी, उनसे वार्ता कर रही थी, उनको समझाने का प्रयास कर रही थी। कुछ जगहों पर उनकी बातों को समझकर वार्ता के उपरांत जो उन्होंने मतदान के प्रक्रिया में प्रतिभाग किया, लेकिन कुछ स्थानों पर ये सफल नहीं हो पाई थी टीम, बट इसका बाद में आकलन किया जाए कि क्या कमी रह गई है वहां पर। अभी मैं उसमें कुछ कहना मेरा उचित नहीं होगा जब तक कि मुझे विस्तृत रिपोर्ट जनपद से प्राप्त ना हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल, अब ईवीएम जब वापस आएगी उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, किसी प्रकार बाधित ना हो? देखिए, जितने भी ईवीएम्स हमको जनपद अपर पोल प्राप्त होती हैं, जनपद के लेवल पर स्ट्रांग रूम्स तैयार होते हैं। स्ट्रांग रूम में रखते समय समस्त कैंडिडेट अथवा उनके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में इसको स्ट्रांग रूम को सील किया जाएगा। ऑब्जर्वर साहब वहां पर होंगे, वेबकास्टिंग की टीम होगी, वीडियोग्राफी की जाएगी और CAPF का पूरा वहां पे एक प्लाटून तैनात किया जाएगा जिनकी सुरक्षा में रखा जाएगा। मेरा उम्मीद है कि आज रात तक कुछ जनपदों में और कुछ जनपदों में कल सुबह तक ये कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, निर्वाचन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि उत्तराखंड में चुनाव जो प्रक्रिया रही है वो संपन्न हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न भी हुई है। कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में जो चुनाव गया मतदान की प्रक्रिया मतगणना के वो भी इसी प्रकार से संपन्न रहे। कैमरामैन तो वहीं बिहार में भी आज पहले चरण का मतदान चला, जिसको लेकर LJP रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि हम एक बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं और यही माहौल चारों सीट पर है। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले चरण की चारों सीट जीत रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं, मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में, बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देगा। चारों सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो है वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हार रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है, विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए, पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार की। अब वो प्रधानमंत्री, और खासतौर पर अगर आप जमुई का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया और ये एक ईमानदार एकता गठबंधन की दिखी। आप देखिएगा इंडिया अलायंस ना के बराबर उनके नेता कहीं आए, सिविक राजद के नेताओं को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक, पहले चरण का प्रचार थम गया है, वोटिंग हो गई है तो वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में अभी तक कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, वाम दलों का कोई नेता इस तरीके के कोई प्रचार में सक्रिय रूप से दिखे नहीं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने छठी लिस्ट जारी कर दी अपने प्रत्याशियों की। पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बसपा ने वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी बदल दिया है।
वाराणसी से बसपा ने अतर जमाल लारी की जगह सैयद नियाज अली को टिकट दिया है। बसपा ने हरदोई सुरक्षित सीट से भीमराव अंबेडकर को मैदान में उतारा है, जबकि संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम, फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सिंह सचान, फिरोजाबाद से भी बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। यहां से अब चौधरी बशीर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। उधर सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव, महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम, मिश्रिक से बीआर अहिरवार, मछली शहर सुरक्षित सीट से कृपा शंकर सरोज, भदोही से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल को पार्टी ने इनके नाम पर पार्टी ने दाव खेला। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार यूपी के अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि अमरोहा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रही इस सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उपयोग करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी जन अमरोहा में मिले हैं। हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना, जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता दोगुनी करने पर काम कर रहे हैं। यहां अमरोहा में इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है। अमरोहा के आम का स्वाद भी किसानों के लिए समृद्धि लाए। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी।
जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा के गजरौला में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी शामिल हुए, जिसमें सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व के 2024 के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। कुछ लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां 50% मतदान हो चुका है। देश में भी एक स्पीड बनी हुई है, और जैसे यहां पे जयंत चौधरी जी ने कहा कि स्पीड बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। बहनों भाइयों, आए कि नहीं, क्यों नहीं, जो हमारे पूर्वजों को सम्मान दे उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। पहली बार चौधरी साहब को मोदी जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव बढ़ाया है। चौधरी साहब ने इस बात को कहा था, भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से होकर के जाता है, अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तब भारत का सम्मान बढ़ेगा, और यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और हमने अन्नदाता किसान और लिए एक योजनाएं प्रारंभ की। आज परिणाम हम सबके सामने है, आज हम सब उसके बारे में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर चौधरी साहब का सम्मान का हो, भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य हो, भारत की। तो वही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान आज से शुरू हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और कई विधायक और कई भाजपा के नेता उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन भरने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम
इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। तो इसी के साथ खबर दिनभर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।